नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। विश्व कप के दो फाइनलिस्ट तैयार हैं और 19 तारीख को फैसला होगा कि अगले 4 सालों तक कौन विश्व विजेता रहेगा। लेकिन उससे पहले भारत की रणनीति पर चर्चा होने लगी और कहा जा रहा है कि इस बार जीत भारत की ही होगी। देखिए ये रिपोर्ट। विश्व कप अब अपने अंतिम दौर में है और अपने सारे मैच जीतकर भारत विरोधियों के अंदर खौफ पैदा कर रहा है। शानदार शुरुआत दिलाने वाले रोहित शर्मा खिताब से बस एक जीत दूर। अपने सकारात्मक रवैये से देश के करोड़ों क्रिकेट प्रशंसकों का दिल जीत लिया। रोहित टीम के हित में व्यक्तिगत उपलब्धियों को नजरअंदाज कर जोखिम उठाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। क्रिकेट एक्सपर्ट्स की माने तो उनकी कप्तानी में सौरव गांगुली वाले तेवर दिख रहे हैं, तो वहीं धोनी जैसी गजब की रणनीति जिससे विपक्षी टीम घबरा रही। इसके साथ ही साथ कपिल देव की तरह उनका मिशन साफ है, विश्व विजेता बनने से कम कुछ भी नहीं। तभी तो उन्होंने कहा था कि एक खराब मैच से विलेन बनने में देर नहीं लगेगी। वो जानते हैं कि महान कप्तान और खिलाड़ी बनने के लिए उन्हें किसी भी हाल में विश्व कप की ट्रॉफी फैंस को गिफ्ट करनी होगी। यही वजह है कि उनकी कप्तानी का हर कोई कायल। नासिर हुसैन ने तो उन्हें टीम इंडिया का असली हीरो बता दिया। जानकारी देते चले कि रोहित शर्मा 19 नवंबर को खेले जाने वाले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विश्व कप फाइनल के दिन 36 साल के हो जाएंगे, तो उस हिसाब से इस बात की प्रबल संभावना है कि ये उनका आखिरी विश्व कप होगा, क्योंकि अगला विश्व कप 2027 में होगा। तब तक रोहित की उम्र 40 साल से अधिक हो जाएगी। रोहित के 16 साल से अधिक के उतार चढ़ाव से भरे क्रिकेट करियर में 19 नवंबर का दिन सबसे अहम होगा। रोहित ने एशिया कप से पहले कहा था, मैं अगले 2 महीने में इस टीम के साथ कई यादगार उपलब्धि हासिल करना चाहता हूं। इसे समझा जा सकता है कि रोहित शर्मा के तेवर क्या है। रोहित के रवैये में आए बदलाव को लेकर इंग्लैंड के पूर्व कप्तान नासिर हुसैन कहते हैं कि पिछले T20 विश्व कप के सेमीफाइनल में चैंपियन इंग्लैंड के हाथों हार के बाद भारतीय कप्तान ने दिनेश कार्तिक से क्या कहा था। रोहित ने उस टीम का हिस्सा रहे कार्तिक से कहा था, हमें अपना दृष्टिकोण बदलने की जरूरत है। दृष्टिकोण में बदलाव हमेशा मानसिकता में बदलाव का परिणाम होता है, और जब कप्तान अपनी बात पर अमल करता है तो दूसरों के लिए उसका अनुसरण करना बहुत आसान हो जाता है। इसे आप समझ सकते हैं कि कैसे रोहित ने इस टीम को आगे बढ़ाया। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है, लेकिन जिस तरह से टीम खेल रही है उससे तो यही लगता है कि भारत विश्व कप जीत जाएगा। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है और किसके सिर विश्व कप का सहरा बनता है।